पिछले भाग में आपने सुना कि ताई सुबोध की लट से जी भर के कुटाई कर देती है, फिर सुनंदा और पापोरी उसको आकर बचाती है। इसी बीच कहीं छुपा साकेत भी उनके साथ शामिल हो जाता है। पापोरी को शक होता है कि ताई ने बिस्तर पर बाथरूम कर दी है। तब ताई उसे बताती है कि ये साकेत है जिसके पैंट से बदबू आ रही है। तब सुनंदा साकेत को एक जेंट्स चड्डी देती है, जिससे साकेत को शक होता है कि इस घर में जेंट्स चड्डी कैसे है, क्योंकि यहाँ तो सभी लेडीज हैं। अगले दिन दोपहर में पापोरी को बागीचे में अकेला पाकर सुबोध चांस लेता है और उसको अपने प्यार का इजहार कर देता है। बातें अभी जारी थी कि तभी एक स्पोर्ट्स कार से एक हैंडसम लड़का रणविजय वहां आ जाता है। पापोरी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले मिलती है। ये सब देखकर वहीं बैठे सुबोध को एक साथ कई सांप डस लेते हैं। वो मन ही मन तू पसंद है, किसी और की तुझे मांगता कोई और है, गुनगुनाते हुए। अब आगे सुबोध, जिसके मन में अभी चंद लम्हों पहले तक एक बाग लहलहा रहा था, रणविजय के आने से एक करके कुम्हलाने लगा। उसके मन की पुरविया में बह रहे शीतल प्रेम के झोंके एकदम से विली विली बन गए। उसके मन में तो आया कि रणविजय का गला दबा दे, और अभी उसने जिन हाथों से पापोरी को स्पर्श किया उन हाथों को काट ले, पर वो मन महसूस कर रह गया। हाँ तो बस कुछ मिनट, और रणविजय, मुस्कुराते हुए पापोरी ने कहा। बस कुछ देर बाद बढ़िया गेट अप में सुनंदा वहां आई और खिलखिला कर बोली, आई एम रेडी। सुनंदा ने ब्लू कलर की गोल गले की टॉप पहनी थी, जिस पर वाइट वाइट बूंदे प्रिंट थी। नीचे उसने घुटनों के ऊपर तक एक वाइट स्कर्ट पहना था, ग्लव भी हाथों में पहने हुए थे और एक गोल हैट भी पहना था। वो एक परी की तरह सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद सुनंदा और रणविजय स्पोर्ट्स कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। ये नजारा देख रहे सुबोध के हृदय में दबे बीज का पुनः जनन हो गया। उसकी सांसें फिर से उसके मस्तिष्क में खुशी वाले रंध्र में पहुंचकर उसे हल्का करने लगी। वो अपने बाल खुजाकर पापोरी को देखने लगा। कुछ देर में बोला, ये कौन था रणविजय? ये सुनंदा का फ्रेंड है, पापोरी ने कहा। बॉयफ्रेंड, सुबोध ने कहा। नहीं, वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है, पापोरी ने उसकी आंखों को गौर से देखकर कहा। सुबोध थोड़ी सी खी से निपोर कर अपने आप से कहने लगा, कमाल है, ऐसे भी फ्रेंड होते हैं। पर पापोरी ने उसे कहते सुन लिया और उसको घूर कर बोली, तुम लड़कों की ऊपर की मंजिल में कुछ नहीं होता और बस घूम फिर कर एक ही जगह चिपक जाते हो। जब किसी के अंग में कोई दिक्कत होती है ना सुबोध, तो ये समाज उसको तिरस्कार बस देता है। देखो उसे, वो कितनी खुश है। केवल उसकी खुशी के कारण मैंने आज तक रणविजय को कभी किसी भी चीज में नहीं रोका। उसके जितना ख्याल कोई दूसरा उसका कभी भी नहीं रख सकता। उसकी आंखों में कमी है, मेरे नहीं है, पर मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ। भगवान ने उसे इतना खूबसूरत बनाकर भी एक आंख से हाजत कर दिया। वो दिखाती नहीं है पर दुखी रहती है। ऐसे में एक रणविजय है जो उसे सूरत से नहीं बल्कि सीरत से चाहता है। पापोरी की बातों ने सुबोध को एक सेकंड चांस दे दिया, जिसने बगिया में हुए कुछ लम्हों के इंटरवल के घंटा गोल को एक सीरियस एक्स्ट्रा क्लास में बदल दिया। सुबोध ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और विनम्रता भरे शब्दों से बोला, मतलब तुम भी प्रेम को मानती हो, फिर क्यों है ना पापोरी? तुम्हारी बातों से तो यही लगा मुझे। हाँ मानती हूँ सुबोध, प्रेम ही तो जीवन की अनुभूति है। इसमें हौले हौले उतर कर कब दो से एक हो जाते हैं मालूम ही नहीं चलता।
सिर्फ प्रेम ही सच्ची उपासना है। भगवान कृष्ण ने ईश्वर होकर भी प्रेम किया और इसका महत्व बताया। यदि संसार में प्रेम नहीं हो तो कभी संसार भी नहीं होगा। और तुम क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापोरी की बातों ने साइंटिफिक को एक्साइटेड कर दिया, खास तौर पर हौले हौले दो से एक होने वाली बात ने, उसने कहा। पर मेरे प्रेम को तो तुमने प्रेम चोपड़ा बना दिया। क्या क्या प्रेम चोपड़ा? पापोरी ने कहा। मतलब मैंने भी तो कुछ देर पहले यही कहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, तो क्या वो दो से एक और फिर तीन नहीं हो सकता था? सुबोध ने बड़ी मासूमियत से कहा। माय गॉड, बुद्धू कहीं के कहां से कहां पहुंच गए तुम। डॉट पूरे उल्लू हो जिसे दिन में नहीं सिर्फ रात को दिखता है, पापोरी ने खींच कर कहा। अच्छा तो मैं उल्लू हूँ। ओके, तुम फिर बंदरिया हो, सुबोध ने भी उसे चिढ़ा कर कहा। तुम कौवे हो, हंसते हुए पापोरी ने कहा। दोनों इसी तरह एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। फिर एकदम से मजाक मजाक में पापोरी को गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबोध के मुंह से धोखे से तुम पुंछ कटी कुतिया हो निकल गया। दोनों में हल्की सी हाथापाई शुरू हो गई। पापोरी ने पास में रखे पौधों को पानी देने वाले यंत्र से पूरा पानी सुबोध पर फुरफुरा दिया। सुबोध ने गीले हाथों से पापोरी के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। अब पापोरी सुबोध के इतने नजदीक थी कि उसकी बढ़ी हुई सांसें सुबोध आराम से सुन पा रहा था। वो उसके होठों को कुछ देर गौर से देखने लगा। पापोरी की आंखें भी गौर से सुबोध को देखे जा रही थी। अचानक पापोरी की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। सुबोध ने तुरंत अपनी पकड़ धीमी कर दी और उसे छोड़ दिया। वो बार बार पूछता रहा कि तुम रो क्यों रही हो, पर पापोरी बिना बोले सिसकते हुए ही वहां से चली गई। उसके भीगे जिस्म की खुशबू सुबोध कुछ देर तक वहीं खड़े खड़े अपने दिल में लेता रहा और कुछ देर बाद मन ही मन में बोला, ये भी अच्छा है, लड़कियों का कभी कुछ समझ में नहीं आता। फिर सुबोध भी धीरे धीरे लंगड़ाते हुए अपने कमरे तक आ गया। उसने कमरे में देखा तो साकेत कमरे में नहीं था। ये साला कहाँ चला गया, सुबोध ने खींचते हुए अपने आप से कहा। सुबोध कुछ देर आंखें बंद करके वहीं बिस्तर पर लेट गया। फिर कुछ देर बाद पापोरी सुबोध के पास आई और बोली, आज सुनंदा नहीं है, इसलिए तुम अपनी पेंट निकाल दो, मुझे ये इस पर लगानी है ताकि तुम्हारी चोट जल्दी से सही हो जाए और तुम जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। मेरी मंजिल? और ये है क्या? सुबोध ने कहा। हाँ, तुम्हारी मंजिल यानी यक्षिणी। और इतना कहते ही पापोरी एक खूंखार यक्षिणी में बदल गई। उसके नुकीले लाल नाखून और खुले काले केश सुबोध की आंखों के सामने थे। उसने अपने हाथों से सुबोध को कस के पकड़ा और कहा, आ तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं, यानी मौत। उसने अपने हाथों में पकड़ी दवा खोली और सुबोध के सारे कपड़े अपने हाथों से उतार कर उसके पूरे जिस्म पर कुछ देर मालिश की। फिर उसके नुकीले नाखून सुबोध के जिस्म में उसके मांस को खींच कर बाहर निकालने लगे। उसने सुबोध का एक दीर्घ चुमन लिया और फिर एक खून का फव्वारा पूरे कमरे में फूट पड़ा। दीवारों पर सुबोध का ताजा ताजा खून यक्षिणी शब्द लिखने लगा। सो रहे सुबोध की आंखें खुल गई। उसने अपने हृदय की बढ़ी धड़कन को सुना। वो इतनी ज्यादा बढ़ी थी कि वो घबराया हुआ था। जैसे तैसे उठकर बैठा ही था कि तभी पापोरी हाथों में दवा लिए उसके कमरे में आ गई। पापोरी के बाल भी खुले हुए थे। सुबोध ने अभी 10 मिनट पहले ही सपने में देखा था।
इसलिए पापोरी के बोले बिना ही उसने पापोरी की तरफ देखकर कहा, आज सुनंदा नहीं है, इसलिए तुम्हें दवा लगानी है, इसलिए मैं अपनी पेंट निकल दूं। अरे वाह, कितने स्मार्ट हो तुम, यही तो मैं तुमसे कहने वाली थी। हाँ, ये दवा लगानी है, पैंट निकल दो अपनी, पापोरी ने कहा। सुबोध उससे कुछ दूर खिसक कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था और साकेत भी ना जाने कहां मर गया था। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर मन ही मन में रोते हुए भाव से पापोरी से पूछा, ये कौन सी दवा है? ये घोड़े की आयोडेक्स है, पापोरी ने बड़े खुश भाव से कहा। घोड़े की आयोडेक्स? सुबोध ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, ये इंसानों पर भी बढ़िया रिजल्ट्स देती है। अच्छा, अब तुम जल्दी से अपनी पैंट निकालो, पापोरी ने कहा। अब की सुबोध की लपकने लगी और वो कुछ और दूर सरकने लगा। उसे हर बार सरकता देख पापोरी बोली, जवां हसरते रखने वाले इतने क्यों दुबक रहे हो? देखो, अब सीधे सीधे पैंट निकालो, मेनू नहीं निकालना, मुझे सब पता है, डरते डरते सुबोध ने कहा। पर पापोरी ने उसकी बात एकदम अनसुनी कर दी और खुद ही उसका पैंट खोलने लगी। जबरदस्त तरीके से दहशत में भरे सुबोध ने एक जोरदार लात पापोरी को मारी। पापोरी लात खाकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने दवा फिर एक कोने रखी और सुबोध के बाल खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी छाती पर बैठकर बोली, होश में आओ, तुम्हें हो क्या गया है सुबोध? पर सुबोध को अब उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने अपने हाथों से पापोरी का गला पकड़ लिया, पर कुछ देर में उसके हाथ स्लिप हो जाने से पापोरी का कुर्ता उसके हाथों में आ गया और सुबोध ने उसको फाड़ दिया। अब उसकी ब्रा एकदम स्पष्ट दिख रही थी। इससे पहले कि वो सुबोध के हाथों में आती, उसने सुबोध के गले को छोड़कर अपने हाथों से अपने खुले अंगों को ढकने की कोशिश की और हाथों से अपनी ब्रा को छुपा लिया। इसी बीच सुबोध को अवसर मिल गया और उसने एक झटके से अपनी छाती पर बैठी पापोरी को जमीन पर उल्टा कर दिया। अब सुबोध पापोरी के ऊपर था और पापोरी उसके नीचे थी। पापोरी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तभी साकेत वहां आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग अलग किया। सुबोध चिल्लाए जा रहा था, बहनचोद ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ये की सी डॉट। पर साकेत ने उसे नहीं छोड़ा। तब तक पापोरी अपने हाथों से अपने सीने को ढक कर कमरे से बाहर चली गई। अब साकेत ने अच्छे से कमरे को बंद करके सुबोध से पूछा, भाई तूने तो बोला था कि तुझे इश्क है पापोरी से, और आज तू यहाँ, अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो तू तो उसकी इज्जत ही लूट चुका होता। सुबोध की आंखें उसकी बातों से और गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, झोपड़ी के पहले तो तू ये बता कि अभी तू मर कहाँ गया था और मैं उसका रेप नहीं कर रहा था। अब साकेत की खोपड़ी उसकी बात सुनकर घूम गई। उसने फिर से पूछा, तो फिर असल बात क्या है? फिर सुबोध उसे सारी बात विस्तार से बनाता है। सुनकर पहले तो साकेत को डर लगता है, फिर वो सुबोध से कहता है, भाई मुझे तो यही लगता है कि तू उस यक्षिणी को लेकर कुछ ज्यादा सोचता रहा, जिस वजह से तुझे सपना आया और फिर तूने हकीकत में मासूम पापोरी को यक्षिणी समझ लिया। भाई ये तूने गलत किया, कितनी अच्छी थी वो, तुझे दवा लगाने आई थी। साकेत की बातों से सुबोध की आंखों में आंसू आ गए। उसने भीगी पलकों से कहा,
यार मैं क्या करता, तू भी नहीं था, पैर भी अभी सही नहीं हुए। मैं घबरा गया था। साकेत उसे पुचकारने लगा और बोला, चल जल्दी से आंसू पोंछ और चल मेरे साथ, चलकर पापोरी से सारी बातें क्लियर कर दे। तभी सुबोध ने उससे पूछा कि तू अभी गया कहाँ था? भाई वो मैं ताई के लिए डेरी मिल्क लेने गया था, मुझे अपने दादा दादी बहुत अच्छे लगते थे तो सोचा क्यों ना ताई को डेरी मिल्क खिलाकर कुछ उस रात के बारे में भी जाने। भाई ताई बड़े काम की चीज है ऐसा मुझे लगता है। मेंटल ने एक सांस में सारी की सारी बातें कह दी। पहले तो सुबोध को लगा कि वो साकेत को रणविजय के बारे में बता दे, पर फिर उसने साकेत के उस छोटे बच्चे वाले मासूम दिल का ख्याल किया जो टूट सकता था, क्योंकि वो सुनंदा को पसंद करता था। उसने सोचा जब ये साकेत खुद ही उसे किसी की बाहों में देख लेगा तो खुद जान जाएगा कि दुनिया में झंडे और भी हैं मोहब्बत के सिवा, इसलिए उसने खामोश रहना बेहतर समझा। अब दोनों हिम्मत जुटाकर पापोरी के पास पहुंचे और उसे सारी बातों से विस्तार से अवगत कराया। पापोरी अच्छी लड़की थी इसलिए वो मान गई और सुबोध को उसने माफ कर दिया। तभी साकेत ने उसके कमरे में लगी बहुत सारी तस्वीरें देखी। तस्वीरों में एक खूबसूरत मॉडल लड़का था। उसने आंखों में इशारे करके सुबोध को भी तस्वीरें दिखाई। जैसे ही सुबोध ने उन तस्वीरों को देखा वो चौंक गया। दोनों फिर अपने रूम में वापस लौट आए। धीरे धीरे खुशनुमा शाम हो गई। रूम में लेटे हुए सुबोध और साकेत को बाहर चहल पहल सुनाई दी। बाहर से किसी लड़के की आवाज भी सुनंदा और पापोरी के साथ आ रही थी, जिसको सुनकर मेंटल ने बाहर आकर देखा तो उसे रणविजय दिखा, जो हंस हंस कर पापोरी और सुनंदा से बातें किए जा रहा था। मेंटल ने सुबोध को इस बारे में बताया तो उसने कहा, हाँ हाँ जनता हूँ, सुनंदा का दोस्त रणविजय है वो। ये सुनकर मेंटल को ऐसी जगह मिर्ची लग गई कि वो किसी को बता भी नहीं सकता था। धीरे धीरे रात घिर गई और सभी लोग डिनर टेबल पर मिले। सुनंदा ने रणविजय का परिचय सुबोध और साकेत से करवाया। सुबोध डिनर टेबल पर बैठी पापोरी को जब भी देखता वो अपनी नजरें नीची कर लेती थी। अपना अपना डिनर खत्म करके सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। जब साकेत को मालूम हुआ कि रणविजय आज यही रुकेगा और सुनंदा के रूम में रुकेगा तो उसको भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आ गया। मन मार कर वो भी सुबोध के साथ रूम में वापस आ गया। हमेशा बचपना करके गुदगुदाने वाला साकेत आज बिस्तर पर ऐसे निढाल होकर लेटा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से आत्मा खींच कर निकाल ली हो। 2-3 घंटे हो जाने पर भी साकेत एकदम खामोश लेटा जाग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर सुबोध से रहा नहीं गया, वो उसे सहला कर बोला, होता है हम गलत समझ लेते हैं। यही गलतफहमी मुझे भी हो गई थी आज जब वो उसे लेने आया था लॉन्ग ड्राइव के लिए। सुबोध के मुंह से लॉन्ग ड्राइव वाली बात सुनकर साकेत को काट मार गया और वो फिर से घुप होकर बैठ गया। आज की रात साकेत को काट रही थी। कुछ देर बाद वो जानबूझकर बाहर जाने लगा। तब सुबोध ने उसको चुटकी काटते हुए कहा, लगता है अपनी दादी के पास चॉकलेट्स लेके जा रहा है। हीरो मेंटल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर बोला, मेरे भाई तू भी साथ चल, ये दिल उसके रूम में दूसरे लौंडे को बर्दाश्त रहा, तुझे भौजी पापोरी की सौगंध। मेंटल ने सुबोध के मर्म स्थल को हिट कर दिया। वो उसकी सौगंध के चक्कर में उसके साथ हो गया।
अब दोनों रात के दबे सन्नाटे में सुनंदा के कमरे के बाहर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगे। अंदर रणविजय सुनंदा से कह रहा था, बस बेबी थोड़ा सा, सुनंदा कह रही थी। नो, मुंह में आता है तो मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और गले में आ जाता है तो और भी खारा सा नम नम स्वाद आता है। प्लीज डियर, रणविजय ने फिर से कहा। बाहर से ये बातें सुन रहे साकेत और सुबोध की आंखें चौड़ी हो गई। साकेत सुबोध से धीमी आवाज में बोला, भाई जे बहनचो तो सुनंदा के मुंह में नहीं, भाई मैं इसकी मार लूंगा आज दादाजी की कसम।